कर दोस्तों कुंडली भाग्य के आने वाले एपिसोड में जहां आप लोग देख पाएंगे कि एक बार फिर से प्रीता को पता चल जाता है कि आखिरकार ऋषभ जेल में है और ऋषभ की जो कि कुछ समय के बाद में फांसी होने जा रही है 6 दिन के बाद में। लेकिन दोस्तों कहानी के अंदर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलेगा, जब देखने को मिलेगा कि किस तरीका से पृथ्वी और शैलन ने ये पूरी जानकारी जो कि लोगों से छुपा के रखी थी। आने वाले एपिसोड में बहुत बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलेगा जहां एक बार फिर से करण नताशा पर भड़कता हुआ नजर आने वाला है कि तुमने पुलिस स्टेशन में जब हमको गिरफ्तार किया गया था तुमने हमको ये क्यों बताया कि हम हस्बैंड वाइफ हैं, तुम्हें पता नहीं है कि मेरी घरवाली प्रीता है, जो कि वाकई में करण इस समय नताशा को काफ़ी झाड़ लगाता हुआ नजर आएगा, धमकाता हुआ नजर आने वाला है। लेकिन दोस्तों आने वाले एपिसोड में काफ़ी बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलेगा जब एक बार फिर से देखने को किस तरीके से मिलेगा कि करण और प्रीता के बीच में जो मतभेद हैं वो जल्दी ही दूर होने जा रहे हैं, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि करण और प्रीता के बीच में जो लंबी दूरियां चल रही थी उस लंबी दूरियां का जो कारण बन रही थी वो कोई और नहीं बल्कि नताशा है, और नताशा को जल्दी ही इस घर से क्या इस शहर से भी गायब कर दिया जाएगा, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि नताशा कोई शैलन की बहन नहीं है बल्कि शैलन ने पैसा में हायर की थी। लेकिन जल्दी ही एक नया ट्विस्ट और भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जहां पृथ्वी इस समय सबसे ज़्यादा शौक नज़र आ रहा है, क्योंकि अगर वो किसी तरीका से ऋषभ को नहीं बचा पाया तो दुबई वाली जो प्रॉपर्टी है वो उसके हाथ से निकल जाएगी, क्योंकि उसे इस समय काफ़ी चिंता है और जिसने मांगे हैं 50 करोड़ रुपये मांगे हैं कि 50 करोड़ रुपये दे दीजिए हम ऋषभ को जो कि बचा सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस समय पृथ्वी सबसे ज़्यादा परेशान नज़र आ रहा है और वो इस समय प्रीता से भी नहीं बोल सकता मदद के लिए। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसा घुमाएगा कि घर वाले जो कि सब पृथ्वी के ही साथ में खड़े नज़र आने वाले हैं। लेकिन दोस्तों कहानी में वाकई में ट्विस्ट से बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलेगा और आने वाले एपिसोड में बहुत कुछ भी देखने को मिलेगा। साथ ही दोस्तों अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर अभी आए हैं तो कृपया करके मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को लाइक कीजिए एंड कॉमेंट करके जरूर बताइए।